लीला भाभी जल्दी 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 ए आई। अरे क्या प्रेमा कब से चारू बड़ा बहन बन के मिसेस वाड़िया के घर के बाहर खड़ी है। दो फोन आ गए उनके। चलो 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 हो गया। चलिए जल्दी करिए। लगता है बच्चे आ गए मंदिर से। अरे चप्पल तो उतारो तुम लोग, कर क्या रहे हो? अरे चप्पल को मारो गोली इस वक्त। अच्छा हुआ देखा नहीं, वरना और टाइम वेस्ट हो जाता। खाना पीना मांगते। चलिए चलिए। मुझे पता है गटू भाई आपको भूख लगी है ना, मीनाक्षी आपको गर्मा गर्म खाना खिलाएगी। ओके चलिए चलिए। नहीं उधर मंदिर में ना प्रसाद खाने के बाद हम सब लोग को नाश्ता मिला। अच्छा लेकिन अभी है ना मुझको आप लोग के साथ में बात करने की। अभी इस वक्त गटू भाई जब हम वापस आ जाए तब बात करना। हाँ नहीं अभी करेंगे। तीन बात है। थ्री। नंबर वन कि मंदिर में हम लोग नाश्ता कर रहे थे ना, तो नाश्ता गिरा था वो मैंने नहीं गिराया था, तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। नेक्स्ट। फिर हम लोग अभी गाड़ी में से निकले ना, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि सब लोग रेस लगा के अंदर जाने का। हे भगवान। तो मैंने 1 2 3 स्टार्ट बोला ना, उसके पहले आपकी चैताली ना चैताली वो पहले भागी, बाकी सब लोग बच्चे भी बाद में भाग गए। नालायक है वो। तो मैंने 1 2 3 स्टार्ट नहीं बोला था तो मैं कैसे भागू, तो मेरा ही बचका हो गया फिर। नहीं कोई बात नहीं, हम अभी बोल देंगे ना। चलिए। तो मैं सब लोग को बुलाता हूँ चैताली। कटू भाई प्लीज देखिए, हमें इस वक्त कहीं जाना है, अगर हम वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचे ना तो हमारा पचका हो जाएगा। पचका हो जाएगा। जा जा तो जाओ। हाँ चलिए चलिए। 1 2 3 स्टार्ट तो बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। कम से कम करना समझे तू। कैमरा चुप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों इकट्ठा हैं। अच्छा हमने जो तुझे सिखाया है वो याद है ना? Oh God, ये पार्ला पीपल बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। तुषार, हम टाउन वाले कभी कुछ नहीं भूलते, ये पार्ला पीपल ही सब भूल जाते हैं। वाह वेरी गुड प्रेमा, गुड स्टूडेंट। उसके जैसे फालतू होने का मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है। का है? प्रेमा ये चल 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 चल। मीनाक्षी भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अरे आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं तुरंत खाना बना लेती हूँ। हाँ बैठिए बैठिए। बना लेती हूँ मतलब? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। अरे सौमिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रहा है, सबको सरप्राइज देने, और अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। बेबी ऐसे एक एक करके सबको सरप्राइज बता दोगी तो सरप्राइज कहाँ बचेगा? अरे नहीं बताऊंगी तो ये लोग परसों तक खाना नहीं बनाएंगे। मीनाक्षी भाभी तो पहले मुहूर्त निकलवाएगी, फिर डब्बा खोलने में आधा घंटा लगाएगी, फिर आटा निकालेगी, फिर बलाई लेगी और फिर रोटी बनाएगी। वैसे बाकी सब लोग कहाँ गए? लीला भाभी, प्रवीणा भाभी। मैंने कुछ नहीं किया। वो तो दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ ये भाभियों के बारे में बात कर रही है ना? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए मत पूछेगा। अब तो जरूर पूछूंगा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है ना बेबी? मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। मीनाक्षी भाभी क्या खिचड़ी पका रही है दोनों? मैं छाता वाली बात की कसम खा के कहती हूँ बीबी बेन, रोइए मत, उनके साथ में प्लान में शामिल हूँ। लेकिन मैं यहाँ हूँ और वो दोनों कहाँ गए? वो दोनों? अरे तू हमारे साथ कहाँ आ रही है? वहाँ जाकर छुपना। रहो बेस्ट। मैं ठीक लग रही हूँ प्रवीणा। नहीं नहीं ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। अरे छुपना, बेल कहाँ है? अरे क्या है? हेलो मिसेस वाडिया, हम माफी मांगने आए थे हमारे बच्चों की तरफ से। बहुत चीकू खा लिए ना उन्होंने आपके। और आपका कितना बड़ा दिल है, आपने पुलिस को भी नहीं बुलाया। अरे हम गया था पुलिस स्टेशन लेकिन वो बंद था। पता नहीं जब भी हम पुलिस स्टेशन जाता है तो वो बंद का एक और रहता है। लीला भाभी सुना, पुलिस स्टेशन बंद था? ए तुम हमारा नकल करता है क्या? अंकल। अरे तुम लोग अंदर किधर जाता है?
नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अरे क्या बोलती है डार्लिंग तुम, हाँ ये लोग तो अपना नेबर है। हेलो सर। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नेबर है इसलिए फटाक से चिकू चोरी करने के लिए इधर आ जाता है। जाने दीजिए ना, देखिए आपके चीकू के बदले हम आपके लिए चीकी लाए हैं, होममेड। लीजिए लीजिए खाइए। लीजिए ना अंकल। अरे हाँ, चीकी से याद आया, कल रात 4 बजे एक नालायक लेडी का फोन आया मेरे को और उसने मुझे थ्रेट दिया कि वो मेरे सामने मेरे सारे चीकू खा जाएगी। अच्छा आंटी, हमें मालूम है उस नालायक लेडी का नाम। अच्छा तुमको उस लेडी का नाम मालूम है जिसने मुझे 4 बजे फोन किया? तो बताओ ना कौन है, बताओ ना। बोलो। आजकल वो हमारे घर में रहती है, बहुत सर फिरी है और इतनी बदसूरत है और हमेशा पार्ला वालों को बुरा ही बोलती रहती है। अरे वो सब तो ठीक है, पर उसका नाम क्या है? नाम आंटी, उस नालायक लेडी का नाम है तुषा। चारुमाला, हमारी टिकरी। कैसी है तू? फाइन। कितने दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई। हाँ तुझे पता है जब भी मैं अपनी मम्मी को मिलने के वास्ते वाल्केश्वर जाती हूँ ना, तभी तू अपनी मम्मी को मिलने के वास्ते इधर बिल्ले पालने आ जाती है। एक दूसरे को जानते हैं क्या? ना जानेंगे ना, क्योंकि हमारा ससुराल वाला और चारू बाला का ससुराल वाला नेबर्स है, जैसे कि आप लोग हैं ना। एंजॉय। मैं जरा विप्रो वालों को फोन करता हूँ सेहस के लिए। लीला भाभी यहाँ से खिसक लेते हैं, लगता है पासा उल्टा पड़ गया है, अब तो ये हमारे पीछे डंडा लेके भागेगी। अरे भाभी आप यहाँ? नहीं चलो। अरे तुम लोग किधर जाता है? तुम लोग तो मुझे उस औरत का नाम बताने वाले थे ना जिसने मुझे 4 बजे फोन करके बोला कि वो मेरे सारे चीकू खा जाएगी। तो 4 बजे तो लीला भाभी ने किसी को फोन किया था? मोटा भाई को किया था, आपको बताया था ना हमने। चलिए। अरे तो फिर मेरे को किसने फोन किया? तुमने तो बोला था ना कि तुम उस औरत का नाम जानता है, तो बताओ ना मेरे को। अरे तेरा आवाज इतना देरी से एको होके कैसे आया, और वो भी बाहर से? पार्ला पीपल। अरे अरे ये आवाज तो मेरा चीकू का झाड़ का साइड से आ रहा है। ओह माय गॉड, मेरा चीकू! कौन है वहाँ? कौन है? ओह माय गॉड, एक मिनट। अब मुझे पता चला कि लीला भाभी ने सुबह 4 बजे किसे फोन किया था। तुषार, उन्होंने सुबह ऊपर मुझे कैसे देखा था? कैसे? ये मैं सबसे पहले मिसेस बाड़िया को बताऊंगी और फिर बाहू। हर देवा उम्मा तरी अभी तक आई क्यों नहीं? चारुबाला, मैंने आपको फोन पे धमकी दी थी ना कि मैं आपके पेड़ से चिकू खाऊंगी, ये देखिए मैं आपके पेड़ से चिकू खा रही हूँ। बोलिए क्या कर लेंगी आप? अरे दिकरा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो तुम वहां मेरे साथ थी, इधर कैसे आ गई और इतना जल्दी कपड़ा कैसे बदल लिया? ओह गॉड, वो मेरी बाई होगी प्रेमा, मैं तो चारुबाला हूँ। चारुबाला? अरे डिकरी, मैंने कभी भी तेरे को चीकू खाने से मना किया है नहीं ना, फिर ऐसा चोरी करके खाने का क्या मतलब? तुषार! अरे वो तो मुझे पता है, पर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
पार्ला पीपल। हाँ वो भी पता है, पर तू यहाँ आई कैसे? मैं बताती हूँ। और उनको कौन बचाएगा? मस्त सरप्राइज दिया सोमिल तूने, हम सब लोग सरप्राइज हो गए ऐसे ऐसे। बाप रे टीका क्यों लगाया? अरे गट्टू, हमारा सौमिल जिंदगी की जंग जीत कर आया है और इस तरह जो जीत कर आता है उसका स्वागत इसी तरह होता है ना? चारू वाला देख, सौमिल आया है। सौमिल, what a pleasant surprise! लेकिन बा, अंदर आ। हर्षद, आ बेटे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखना हमारा सौमिल कैसे दौड़ेगा। दादी माँ, मुझे अभी दौड़ना है। अरविंद, अच्छा मेरा अभी दौड़ना चाहता है। आ जा बच्चा, आ जा, आ जा। क्या तूफान खड़ा करना है तुझे? तूफान मेरी वजह से नहीं, आपकी बहुओं की वजह से खड़ा होने जा रहा है। साफ साफ बता क्या किया है उन्होंने, सुनेंगी ना तो आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएगी। क्यों ऐसा किया लीला प्रवीणा? जवाब दो लीला। लीला भाभी को बुखार हो गया है, इसलिए मैं बताती हूँ बा। हमें मालूम नहीं था कि मिसेस वाड़िया और चारूबाड़ा बेन दोस्त हैं। हम चाहते थे कि प्रेमा चारूबाड़ा बेन बनकर मिसेस वाड़िया के पेड़ से चीकू तोड़ के खा जाए और फिर मिसेस वाड़िया असली चारूबाड़ा बेन के पीछे डंडा लेकर भागे। मतलब डंडा मिला तो डंडा, बंदूक मिली तो बंदूक, और तोप मिली तो तोप। तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है प्रवीणा। एक तो मिसेस वाड़िया को पहले से घुटनों में दर्द है, ऊपर से तू चाहती है कि वो तोप लेकर दौड़े। डंडा या बंदूक तक ठीक है। मुझे पहले से पता था कि आप भी भाभियों की टीम में आ गए हैं। चुप कर चारूबाला, फालतू बकवास मत कर। मैं बाकी टीम में हूं और निष्पक्ष हूं। बा, आप मामले की सुनवाई आगे बढ़ाइए। तुम लोगों को शर्म नहीं आई प्रेमा को चारूबाला बनाकर? ट्रेनिंग दी है बा, ट्रेनिंग। उसे मेरी तरह तुषार ये भी बोलना सिखाया। ये तो जानबूझकर सोची समझी साजिश की गई है मेरे खिलाफ। बा, हम क्या करते? आपके हॉस्पिटल जाने के बाद ये चारूबाला बहन ने हमें इतना परेशान किया कि बस सफाई देने की जरूरत नहीं है।
तुमने हिम्मत कैसे की चारूबाला के खिलाफ साजिश करने की? लीजिए लीजिए और मलाइयां लीजिए, शाबाशी दीजिए उन्हें। ओह गॉड, मुझे क्या पता था कि जिस बाप के पास मैं इंसाफ मांगने आई हूँ वो तो पहले से अपनी बहुओं के हाथ बिक चुकी है। चारू, यहाँ तो हर कोई एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, पार्ला पीपल, और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, एक हफ्ते में चली जाऊंगी अपने घर। तुषार गायब। एक हफ्ता और? क्या करते हो तुम लोग? हमें क्या पता था बा कि ये पासा हम पर ही उल्टा पड़ेगा। एक तो प्रेमा हाथ से गई, ऊपर से वो मिसेस वाडिया, वो चली गई है पुलिस स्टेशन हमारी कंप्लेन करने। कुछ भी हो बा, मजा बहुत आया। मजा आया ना? अब सजा भी सुन लो। पर बा, आपने अभी तो हमें शाबाशी दी थी। वो तुम्हारी सास ने दी थी। तो सजा क्यों दे रही है? ये चारूबाला की माँ दे रही है। मैं 20 दिन के लिए राजा को छुट्टी देती हूँ। अब सुबह शाम दोनों टाइम का खाना तुम दोनों पकाओगी। नहीं बा, लीला भाभी और प्रवीणा भाभी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लो, केस खत्म भी हो गया, हमें सजा भी मिल गई, अब ये जाके बयान दे रही है। तो देने दे। जिंदगी में पहली बार इसने कहा है कि इसका कसूर है और दूसरों ने कुछ नहीं किया। हाँ चल मीनाक्षी, बोल क्या कसूर है तेरा और क्यों किया तूने? मैं बदले की भावना में अंधी हो गई थी बा, लेकिन मैं जन्म से अंधी नहीं थी बा, जन्म से अंधी नहीं थी। चारूबाड़ा में नंधा किया मुझे, कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर मेरे गांव में सब बंगाली, सिर्फ हमारा परिवार गुजराती। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।